कोई भी प्रॉब्लम आने पर हम ये सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम या समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम उसका एक ही पार्ट सोचकर ये देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है कि अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। तो आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ इस छोटी सी प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ और उस स्टोरी को सुनने के बाद आप खुद फील करेंगे कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हम सोच लेते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल किड्स हाईवे। चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। उसके पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। यदि स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक ऑफिस में पापा काम में बिजी थे। उनका 10 ईयर का बच्चा बार बार पापा के पास आकर क्वेश्चन पूछता और उन्हें तंग करता था। तो पापा ने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए या ऐसा कुछ काम बच्चे को दिया जाए जिससे वो भी अपने काम में बिजी रहे और मैं भी अपना काम आराम से कर पाऊं। तो पापा ने कुछ सोचा और फिर जब नेक्स्ट टाइम बच्चा फिर से पापा के पास आया क्वेश्चन पूछने, तब पापा ने उसे एक बुक लाने को कहा। उस बुक के ऊपर एक वर्ल्ड मैप बना था। पापा ने उस वर्ल्ड मैप के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और बच्चे को कहा कि ये लेकर जाओ और फिर से वर्ल्ड मैप को अरेंज करके लेकर आओ। बच्चे ने कहा ठीक है, वो सारे टुकड़ों को लेकर चला गया। अब पापा ने सोचा अब तो मुझे बहुत आराम से काम करने को मिलेगा क्योंकि बच्चा बहुत देर में आने वाला है। इधर बच्चे गया और पापा ने चैन की सांस ही ली थी कि 5 मिनट के बाद बच्चा फिर से आ गया। अब पापा शॉक्ड। बच्चे ने कहा पापा मैंने अपना वर्ल्ड मैप कंप्लीट कर लिया। पापा ने बच्चे की तरफ बड़े हैरानी के साथ देखा और फिर वर्ल्ड मैप को चेक किया तो वर्ल्ड मैप तो बिल्कुल करेक्ट था। जब पापा ने बच्चे से पूछा कि ये तो इतना टफ था, तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, तो बच्चे ने कहा अरे पापा ये तो बहुत ही इजी था। आपने मुझे वर्ल्ड मैप बनाने को दिया था लेकिन इसके दूसरी साइड जब मैंने देखा तो उसमें मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बना था। बस फिर क्या, मैंने फटाफट से अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को जोड़ने की कोशिश की और वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया और पापा बस बच्चे को देखते ही रह गए। तो देखिए इससे हमें क्या सीखने को मिला। पापा ने जब बच्चे को कोई काम दिया, यदि उस टाइम वो बच्चा ये सोचकर मना कर देता कि ये तो बहुत टफ है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो शायद उसके दूसरे पार्ट को देख ही नहीं पाता। लेकिन बच्चे ने गिव अप नहीं किया, बच्चे ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको करने की कोशिश की। जब बच्चे ने उसके दूसरे साइड को देखा तो वो बड़ा खुश हो गया और उसने जल्दी से उसको अरेंज कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें उस बच्चे से क्या सीखने को मिला। हमें उस बच्चे से ये सीखने को मिला कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बस हमें अपने नज़रिए को बदलना है, हमें अपने विज़न को बदलना है क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। हमें उसके अगले या दूसरे पहलू को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बस यही एक तरीका है जब हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।